हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है देन हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस तो देखिये हमारे हार्ट से निकलती है असेंडिंग एोटा तो असेंडिंग एटा ओरिजिनेट करिए देन असेंडिंग एयोटा कंटिन्यू करती है आर्च ऑफ एयोटा में देन आर्च ऑफ एयोटा कंटिन्यू करती है डिसेंडिंग एयोटा में आर्च ऑफ एयोटा की तीन ब्रांचेज होती हैं ब्रेकिफेलिक आटरी लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी एंड लेफ्ट सब क्लेवेन आर्ट्री। देखिए मैंने अलग अलग कलर्स इसलिए यूज हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाए बट अगर एग्जाम में आए आपको पूरा रेड कलर से ही ड्रॉ करना है देखिए लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्ट्री है तो राइट कॉमन कैरोटेड आर्टरी भी होगी और राइट सब क्लेवियन आर्ट्री भी होगी तो ब्रेको आर्टरी डिवाइड होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट कॉमन कैरोड आर्टरी में देन हमारी जो राइट कॉमन कैरोड आर्टरी है वो दो ब्रांच देती है दैट इज राइट इंटरनल कैरोड आर्टरी एंड राइट एक्सटर्नल कैरोड आर्टरी सिमिलरली जो हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोड आर्टरी होती है वो दो ब्रांच देती है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी तो हमारी जो है ये है राइट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी राइट साइड भी होगी और लेफ्ट साइड भी होगी अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में सो दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमें ब्रांचेस पढ़नी है तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की होती है टोटल एट ब्रांचेस फर्स्ट ब्रांच जो मैंने ब्लैक से डिनोट किया है दिस इज सुपीरियर थाड आर्टरी देखिए यहां पे यहां पे होता है थायरॉयड लैंड तो यहां पे जो आर्टरी आएगी वो है सुपीरियर थाड आर्टरी नेक्स्ट जो सेकेंड जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी नेक्स्ट जो मैंने थर्ड से डिनोट किया है दिस इज लिंगुअल आर्टरी देखें यहाँ पे हमारी टंग होती है तो ये जो आर्टरी है थर्ड वाली दिस इज लिंगुअल आर्टरी फोर्थ है हमारी फेशियल आर्टरी देखिए यहाँ पे फेस है तो ये वाली आर्टरी का नाम है फेशियल आर्टरी देन जो हमारी फिफ्थ से डिनोट हुई है दिस इज ऑक्सीपिटल आर्टरी तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है सो so इस आर्टरी का नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी देन जो हमारी सिक्स वाली आर्टरी है दिस इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर देखिए ऑरिकुलर मतलब ईयर तो ये ईयर के पीछे है इस वजह से इस आर्टरी का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सेवेंथ है यहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन होती है इस वजह से इस आर्टरी का नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और यहाँ पे हमारी मैग्जिलरी बोन होती है इसी वजह से एट्थ वाली आर्टरी का नाम है मैगजिलरी आर्टरी अब इसको याद करने का एक न्यूमोनिक भी है शी ऑलवेज लव फ्रेंड्स ओवर पापा सिस्टर एंड मदर तो ये एक न्यूमॉनिक है न्यूमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं या फिर आप इसको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग भी याद करते हैं जैसे यहाँ पे टंग आएगी तो लिंगुअल आर्टरी यहाँ पे थायराइड लैंड आएगा तो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ पे हमारी ऑक्सीपिटल बोन आएगी तो ऑक्सीपिटल आर्टरी पोस्टीरियर ऑरिगुलर आर्टरी टेम्पोरल बोन है तो टेम्पोरल आर्टरी पे हमारी बोन है तो आर्टरी ये हमारा फेस को सप्लाई कर रही है तो हमारी आएगी फेशियल आर्टरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सटर्नल आर्टरी की ऑल एट ब्रांचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एन्यूमरेट द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोड आर्टरी या फिर आप बाकी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक कैरोटेड ग्लैंड पढ़ेंगे कैरोटेड ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उन सब में इस इनकी ब्रांचेस का यूज आएगा सो so, दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले सो so, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं दोबारा बता रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही यूज करना है एग्जाम में और अगर ब्रांचेस के नाम आए हैं तो आप एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे लेबल कर सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं थैंक यू